नमस्कार मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एस डी न्यूज़ कश्मीर में जिस तरीके से बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा उसको लेकर भी बिहार में राजनीति हो रही है चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट करके नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया उन्होंने कहा कि बिहार की जो बिहार के जो बेटे कश्मीर में मारे गए उनकी मौत की कीमत कुछ लाख रुपए लगाकर बिहार सरकार निश्चिंत हो गई सवाल यह है कि जो जान बचाकर बिहार लौट रहे हैं उनके लिए यहाँ अपने घर में रोजगार का क्या इंतज़ाम किया है नीतीश जी ने तो आप ये आप देख रहे हैं कि ट्वीट के माध्यम से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साध रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने रोजगार देने की बात की थी बिहार के युवाओं को उसको लेकर भी चिराग पासवान ने नि� निशाना साध दिया और उन्होंने ट्वीट में ये भी कह दिया कि जो लोग कश्मीर से जान बचाकर भाग रहे हैं उनको यहाँ रोज़गार मिलेगा कि नहीं चिराग पासवान लगातार जब से लोजपा में टूट हुई टूट हुई है उसके बाद से लगातार जो है वो नीतीश कुमार पे हमलावर हैं और कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये कह ये कह दिया था कि नीतीश कुमार कुर्सी के लोभ में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और जनता के जो जनादेश है उसको भी अस्वीकार करके कुर्सी पे बैठे हैं जनता ये चाहती है कि युवा राजनीति में आगे आए लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी के लोभ में आकर जो कुर्सी के लोभ में आकर जनता के जनादेश को जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं और कुर्सी पर बने बैठे हैं बिहार की बर्बादी का कारण जो है वो भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये बड़े बड़े आरोप चिराग पासवान लगातार लगाते लगाते रहते हैं नीतीश कुमार पे और आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर नीतीश कुमार के नीतीश कुमार को रोजगार के ऊपर हमला किया है उनको घेर लिया है रोजगार मामले पर और कश्मीर में जो बिहारियों की हत्या हत्या हुई है उसको लेकर नीतीश कुमार जो ने जो मुआवजे का ऐलान किया है उसको लेकर भी चिराग पासवान ने उनको घेर दिया है और कहा कि बस मुआवजा देकर बिहार सरकार शांत हो गई है आगे कोई एक्शन नहीं ले रही ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहता बने रहें न्यूज़ के साथ और देखते रहे एस जी न्यूज़